अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसकी कितनी फॉर्म्स होती हैं और इसके क्या फंक्शंस होते हैं, ये हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। साइटोस्केलेटन इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स दैट गिव मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल एंड मेंटेन इट्स शेप। साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क है प्रोटीन फाइबर्स का, प्रोटीन स्ट्रक्चर्स का, जो सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है? सेल को सपोर्ट देना, सेल को स्ट्रेंथ देना, सेल की शेप देना, ये सारे इसके फंक्शन हैं। स्पेशली अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो आपको पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, और सेल वॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर है जो सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। स्पेशली अगर हम प्लांट सेल में बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो ऐसी क्या चीज़ है जो एनिमल सेल को उसकी शेप देती है, स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है? तो एनिमल सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, यानी नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का, जो हेल्प करता है इन द सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप। आइए देखते हैं साइटोस्केलेटन किस चीज़ से मिलकर बना होता है और इसकी फॉर्म्स क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। केमिकल कंपोजिशन साइटोस्केलेटन की अगर हम देखें तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है साइटोस्केलेटन। और कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड केराटिन प्रोटीन से साइटोस्केलेटन मिलकर बना होता है। कंपोनेंट्स की बात करें यानी टाइप्स की बात करें तो साइटोस्केलेटन के तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन टाइप्स होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। सबसे पहले हम माइक्रोट्यूब्यूल को देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल थिकेस्ट फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन है, यानी ये सबसे थिक होता है साइज में, ठीक है। कैसा होता है, किस से मिलकर बना होता है? ट्यूब्यूलिन फाइबर से। यहाँ पर हमने ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बात की ना, तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देखें तो ट्यूब लाइक हालो स्ट्रक्चर होती है, इनसाइड हालो होती है, ठीक है। ये है माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर, और ये किस प्रोटीन से मिलकर बना है? ट्यूब्यूलिन से। माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो माइक्रोफिलामेंट थिनेस्ट फॉर्म है साइटोस्केलेटन की। माइक्रोट्यूब्यूल थिकेस्ट है, सबसे मोटा है, जबकि माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले फाइबर्स हैं साइटोस्केलेटन के अंदर, और ये लॉन्ग थ्रेड लाइक फिलामेंट एक्टिन से मिलकर बने होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ये इस तरह दो किस्म के फाइबर्स ओवरलैप होकर ऐसी स्ट्रक्चर होती है माइक्रोफिलामेंट की। थर्ड टाइप है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट का साइज़ इन बिटवीन होता है माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के, यानी इन बिटवीन का साइज़ होता है, और इसकी कुछ इस तरीके से केबल जिस तरह लिपटी हुई होती है, इस किस्म की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये अंदर से हालो नहीं होती, और ये मोस्टली केराटिन प्रोटीन से इंटरमीडिएट फिलामेंट मिलकर बने होते हैं। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस को। सबसे पहले हम माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस देखेंगे, फिर माइक्रोफिलामेंट के और इंटरमीडिएट फिलामेंट के। सबसे मेन जो फंक्शन है वो इन तीनों टाइप्स का सेम है, वो क्या है? सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप। ये तीनों टाइप के जो साइटोस्केलेटन है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, इन तीनों का मेन फंक्शन क्या है? शेप और सपोर्ट देना सेल को। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम साइटोप्लाज्म जब पढ़ रहे थे वहाँ पर हमने पढ़ा कि ऑर्गेनलीज, वेजिकल क्या कर रहे होते हैं? मूव अराउंड कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो कैसे मूव अराउंड कर रहे होते हैं? क्या वो लिक्विड में फ्लो कर रहे होते हैं? तो ऐसा नहीं है। साइटोस्केलेटन हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल। कैसे हेल्प करता है आइए देखते हैं। सपोज दिस इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। माइक्रोट्यूब्यूल इंटरेक्शन करता है मोटर प्रोटीन के साथ। साइटोप्लाज्म के अंदर मोटर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। ये मोटर प्रोटीन है जिसके साथ माइक्रोट्यूब्यूल का इंटरेक्शन होता है। मोटर प्रोटीन बेसिकली क्या है? व्हील्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल पर रन होते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे ट्रेन की पटड़ी होती है, तो ट्रेन के ऊपर व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ट्रेन को रन करने के लिए। तो आप समझ लीजिए मोटर प्रोटीन क्या है? व्हील्स हैं जो पटड़ी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। और ऊपर ट्रेन क्या है? कोई ऑर्गेनली है, वेजिकल है। सपोज दिस इज़ अ ट्रेन, तो इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर हैं जो इन व्हील्स के साथ, मोटर प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। अब मोटर प्रोटीन फंक्शनल हो जाती है और माइक्रोट्यूब्यूल पूरे सेल में इनके पाथ बने होते हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल के पाथ को यूज़ करके वेजिकल जो है मूवमेंट करते हैं।
होपफुली आपको समझ आई होगी कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर कैसे होती है। माइक्रो टिब्यूल्स की वजह से होती है, मोस्टली माइक्रोफिलामेंट की वजह से भी होती है। और कैसे होती है, यहाँ पर मोटर प्रोटीन के साथ माइक्रो टिब्यूल का इंटरेक्शन होता है और कुछ रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मोटर प्रोटीन जिनको डिटेक्ट करके वेसिकल के साथ अटैच हो जाती है। और विद द हेल्प ऑफ एटीपी, जाहिर बात है मूवमेंट हो रही है तो एटीपी की यूटिलाइजेशन होती है एनर्जी की यूजेज के बाद, वो वेसिकल मूव करते हैं एक साइड से दूसरी साइड। अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। माइक्रोटिब्यूल दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आप जानते भी होंगे, जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं क्रोमोसोम को डिवाइड करने वाली जो थ्रेड्स होते हैं उनको स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। तो स्पिंडल फाइबर माइक्रोटिब्यूल से बनते हैं, ये आपने याद रखना है। दे फॉर्म सेंट्रियोल, सिलिया एंड फ्लैजेला। सेंट्रियोल आपको पता है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है जो सेल में पाई जाती है, नेक्स्ट टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं। सेंट्रियोल क्या करते हैं, जिनसे माइक्रोटिब्यूल्स निकलती हैं और स्पिंडल फाइबर को पकड़ के क्रोमोसोम को अटैच करती हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के साथ अटैच होती हैं और क्रोमोसोम को अपार्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ये हम अगले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं डिटेल से। इसके अलावा सिलिया जो आपको पता है सेल वाल के ऊपर पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिर फ्लैजेला आपको पता है बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, इसके अलावा ह्यूमंस में स्पर्म सेल में फ्लैजेला होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किन से मिलकर बनी होती है, माइक्रोटिब्यूल से मिलकर बनी होती हैं, ये आपने फंक्शन याद रखना है। बाकी कॉमन फंक्शन जो है वो सेम है, शेप सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल कौन कर रहा होता है, साइटोस्केलेटन माइक्रोटिब्यूल का ये भी फंक्शन है। अब हम चलते हैं माइक्रोफिलामेंट की तरफ। तो शेप देने के अलावा, स्पोर्ट देने के अलावा माइक्रोफिलामेंट का एक और फंक्शन है, दे हैव अ रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। हम जो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं और रिलैक्स कर रहे होते हैं, इनमें किसका रोल है, माइक्रोफिलामेंट का रोल है, क्योंकि माइक्रोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। ये जब हम मसल वाले चैप्टर में जाएंगे वो हम पर डिटेल से स्टडी करेंगे कि कैसे ब्रिजेस होते हैं और कैसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पर आपने इतना याद रखना है कि माइक्रोफिलामेंट का रोल क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन का रोल है जी। एक और इसका फंक्शन है, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया। सीडोपोडिया आपने अगर नाम सुना हो अमीबा में, मोस्टली ये आपने नाम सुना होगा, अमीबा के जो फॉल्स आर्म्स होते हैं ना, बाजू होते हैं फॉल्स टाइप के, उनको सीडोपोडिया बोलते हैं। सपोज दिस इज़ एन अमीबा, ठीक है, तो ये अभी इसका सीडोपोडिया बन रहा है यहाँ पर, यानी इसकी जो चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं ना उसको हम सीडोपोडिया बोलेंगे। सीडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है आर्म्स। तो इनकी मेंटेनेंस कौन कर रहा होता है, माइक्रोफिलामेंट कर रहा होता है, यानी माइक्रोफिलामेंट एक साइड से खींचे जाएंगे दूसरी साइड से एलॉन्गेट होंगे तो अमीबा अपनी स्ट्रक्चर चेंज करेगा। स्ट्रक्चर चेंज करने से फ़ायदा क्या होगा अमीबा को, कि या तो वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट में हेल्पफुल होगा, इस तरह क्रॉल करते हुए सीडोपोडिया के जरिए मूव करेगा, या फिर किसी चीज़ को इंगल्फ करना है फैगोसाइटोसिस के जरिए तो ये सीडोपोडिया बनाकर वो किसी चीज़ को इंगल्फ करेगा। तो ये फंक्शंस हैं और इनमें हेल्पफुल कौन है, माइक्रोफिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें तो इसका काम होता है शेप और सपोर्ट देना सेल को, इसके अलावा कुछ मसल अटैचमेंट वाले फंक्शंस भी हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंट्रियोल, सिलिया और फ्लैजेला की स्टडी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।